hello dear kids welcome you all in today's gk online class dear kids as you have seen the clips of famous stories with their names now we are going to do this chapter wonderful stories here some pictures are given and in the clue box name of the stories are written so, we have to choose the story and we have to write the name of the story uh, in front of these pics. Okay? So, let's start. Identify these famous stories and write their correct number in the boxes. Take help from the clue box. हमने क्या करना है इन स्टोरीज को आइडेंटिफाई करना है और इनके जो नीचे नेम दिए हुए हैं स्टोरीज के इनके नंबर इन सर्कल्स में हमने क्या करने हैं राइट करने सो so, आपने इमेजेस देखी हैं ठीक है थीके? तो आपको पता भी चल गया होगा सो लेट स्टार्ट लुक एट द फर्स्ट पिक्चर दिस इज द स्टोरी ऑफ This is the story of the name of the story is Hansel and Gretel. theek hai Hansel and Gretel. So we will write here number 4 ठीक है This is Hansel and Gretel. तो हम इसके आगे क्या करेंगे? Number four write कर देंगे ये जो image है ये कौन सी story की है? ये Hansel and Gretel की है तो हमने इसके आगे नंबर फोर राइट कर दिया बी आपने क्लिप देखी है आपने इमेज देखी है तो ये किसकी है ये है ये स्टोरी है रिपंजल ओके ये जो पिक है ये रिपंजल स्टोरी की है तो हम इसके आगे क्या करेंगे नंबर टू राइट कर देंगे बी इज नंबर टू नाउ लुक एट दिस पिक्चर सी पार्ट इज दिस इज द इमेज ऑफ विथ स्टोरी दिस इज पिनोचियो ठीक है ये जो पिनोचियो स्टोरी है उसकी इमेज आपको पता है जो पिनोचियो होता है उसकी जो नोज होती है वो लॉन्ग होती है और उसकी नोज जो बढ़ती चली जाती है तो यहीं से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं तो दिस इज पिनोचियो वी विल राइट हियर नंबर थ्री नाउ लुक हेयर एट द डी पार्ट दिस इज द इमेज ऑफ स्टोरी गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बियर्स ठीक है यहीं से ये आइडेंटिफाई हो सकती है थ्री बियर्स आर शोन हेयर ठीक है गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बीयर्स सो वी विल राइट हेयर नंबर फाइव e part is this is a story jack and the beanstalk okay? jack and the beanstalk we will write here number one okay first is hansel and gretel and number b is Rapunzel c pinocchio d Goldilocks and the three bears, and E is Jack and the beanstalk.